शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुबारक हो नवाब साहब, आपकी बहू माँ बनने वाली हैं। दादा हुजूर। डॉक्टर साहिबा, ये क्या कहा आपने? मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से कहिए। हाँ नवाब साहब, पर दादा बनने वाले हैं आप, एक बार फिर से मुबारक हो। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ आपने भी यही कहा था कि हमारे बहू के नसीब में माँ बनने की खुशियाँ नहीं है। नवाब साहब, हम तमाम डॉक्टरों से बड़ा भी एक डॉक्टर है, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहू, ये करिश्मा, अचानक ये सब कैसे हो गया? दादा हुजूर, ये करिश्मा सब अल्लाह की मर्जी है। बहू, मुझे ये पूछते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? ये उस दिन की बात है दादा हुजूर, जब असलम गोवा से आने वाले थे। उस दिन मैं पीर बाबा की दरगाह पर उनकी खुशियों के लिए दुआ मांगने गई थी। पीर बाबा, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि असलम नगमा को अपने शरीक हयात की शक्ल में कबूल कर ले, और दादा हुजूर की सुनी हवेली औलाद की खुशियों से आबाद हो जाए। आमीन तुम आमीन। ये लो बाबा। इल्लल्लाह। जा बेटी, तेरी मुराद पूरी होगी। इन गरीबों के भूखे पेट से निकली हुई दुआएं तेरा दामन खुशियों से भर देगी। हाँ हाँ बेटी, इस फकीर की बात खाली नहीं जाएगी, तेरी वो उम्मीद पूरी होगी जिससे तू ना उम्मीद हो चुकी है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, तुझे तेरे प्यारे रसूल का वास्ता, इस फकीर की बात रख ले, इसकी मुराद पूरी कर दे। ये फूल ले, अल्लाह के हुक्म से, फकीर की दुआ से तेरी गोद में फूल जैसा बच्चा खेलेगा। जा, इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बहू को औलाद की खुशियों से नवाज कर आज मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। बहू, आज तो झूमने को दिल कर रहा है। झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, झूम, झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा। हेलो, हम नवाब जलालुद्दीन बोल रहे हैं। जरा बरखुरदार असलम को फोन पर बुलवाइए। असलम ये इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खुशियों में डूबे हुए हैं, बुलाना नामुमकिन है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मैंने बता दूंगा। मियां, आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी, बेहतर यही है कि उन्हीं से कही जाए। तो ठीक है, आज खुशी के मौके पर अगर आप तकलीफ वाली बात ना ही कहें तो बेहतर होगा। खुदा हाफिज नवाब साहब। दादा हुजूर, सलाम अलैकुम। दादा हुजूर। आदाब दादा हुजूर। लगता है ये बुड्ढा जरूर कोई तकलीफ वाली बात सुनाने आया है। जीते रहो, अल्लाह हमेशा खुश रखे। दादा हुजूर, आपने क्यों ज़हमत की? आप फरमाते मैं खुद हाजिर हो जाता। आप यहाँ से टेलीफोन तक चलकर तो आ नहीं सकते, तो हमारे घर तक चलकर कैसे आते? जी दादा हुजूर, ये भी तो आप ही का घर है, आइए ना, तशरीफ रखिए। शुक्रिया बेटी। दादा हुजूर, आपने टेलीफोन किया था? हाँ, फरमाइए। असलम, तुम्हें सुनकर तो बेहद खुशी होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को। खैर असलम मियां, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हो गई है, रुखसार तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच दादा हुजूर? हाँ बेटे, मुबारक हो।
आपको भी दादा हुजूर। बेटी, असलम की औलाद की पहली खुशी लेकर तुम हमारे पास हवेली आई थी और आज असलम की दूसरी औलाद की खुशी सुनाने के लिए हमें चलकर तुम्हारे घर आना पड़ा। खैर, हम तो सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहते हैं कि शादी के बाद बेटी का घर उसकी ससुराल होती है। तुम्हारी हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब चाहो बेटी अपने घर आ जाना। हम और रुखसार बखुदा दिलो जान से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया दादा हुजूर। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आज गर्मियां खुशियां मनाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादा हुजूर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? दुनिया भर के डॉक्टरों की यही राय थी। तो अचानक सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कैसे हो गई? रुखसार माँ कैसे बनने वाली है? तुमने मासूम नगमा की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ किया है। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक खूबसूरत धोखा दिया है तुमने उसे। अगर रुखसार ही माँ बन सकती तो मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत ही क्या थी? अपनी सारी जायदाद नगमा की औलाद के नाम करने का सवाल ही नहीं उठता था। रुखसार बाज होने की तोहमत कभी बर्दाश्त नहीं करती। हकीकत तो यह है कि जो कुछ हुआ वो धोखा नहीं, अल्लाह की मर्जी है, उसका करम है। अगर आज खुदा ने रुखसार के दामन में औलाद की नेमत डाल दी है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अब इस खानदान में एक नहीं दो दो चिराग जगमगाएंगे और हम सब खुशी खुशी हवेली में एक साथ रह सकेंगे। इसी में हमारी भलाई है नगमा। बेटी, कहीं गलती से भी दोबारा उस छत के नीचे मत चली जाना, वरना छत गिरेगी तुझ पर और मरेंगे हम सब। रुखसार असलम की पहली बीवी है और पहली बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में सबसे ज्यादा होती है और अब तो वो भी माँ बनने वाली है। बेटी, उस छत के नीचे उसी का होकर रह जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, तू सौतन की सौतन रह जाएगी। हाँ। जरा सोच, अगर शादी से पहले उनकी सारी जायदाद तेरे होने वाले औलाद के नाम ना लिखवाते तो आज तो कहीं की ना रहती। किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में रख वरना सारी जिंदगी पछताती रहेगी। अरे वाह जनाब, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रुखसार को मुबारकबाद देने। मैं भी आपके साथ चलूं? नगमा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुखसार तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। चले। मैंने नगमा को सारा सबक पढ़ा दिया है। अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। रुखसार, रुखसार बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी असलम। रुखसार बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। नगमा बहुत मुबारक हो। दादा हुजूर कहाँ हैं? अभी अभी किसी काम से बाहर चले गए। आप दोनों तशरीफ रखिए, मैं मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, जरूर चलो। ये ले, पहले तू मुंह मीठा कर। पहले मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब मुंह मीठा करवा रही हो? ये तो क्या कह रही है नगमा? तूने हमेशा पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे नंबर 2 रखा, मगर ऐसी भी क्या जलन कि जिंदगी भर के लिए तूने मुझे नंबर 2 बना दिया? जलन? जलन और मुझे और वो भी तुझसे? हाँ, मैं पूछती हूँ कि अगर तू माँ बन सकती थी तो फिर असलम से मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी? मगर तूने मुझे नंबर 2 बनाने के लिए ऐसा किया, मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए ऐसा किया। नहीं नगमा, नहीं। मेरे माँ बनने की जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी तभी मैंने तेरे आगे आंचल फैलाकर औलाद की भीख मांगी थी। मैंने तेरी उम्मीद का दिया अपनी सारी तमन्नाओं को जलाकर रोशन कर दिया और तूने उसी दिए से मेरा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कह। तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। तुझे जैसे भी यकीन आए, मेरा इम्तिहान लेकर देख ले नगमा।
ये मत समझना कुर्बानी सिर्फ तू ही दे सकती है। तो मैं जो कहूंगी वो करेगी? हाँ करूंगी, तू कहकर तो देख। तो फिर जा, कहीं जाकर अपना बच्चा गिरा दे। क्या? क्यों, बिजलियां गिर पड़ी? मैंने तेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी और तू एक बच्चा नहीं गिरा सकती? नहीं नगमा नहीं, खुदा के लिए इतनी पत्थर मत बन। ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, तो कुछ भी और मांग ले पर उस मासूम की जिंदगी मत मांग, क्योंकि उसकी जिंदगी पर मेरा हक नहीं है। मेरी जिंदगी पर तेरा क्या हक था? मगर फिर भी तेरी खुशी के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो तू उस एहसान का बदला चाहती है? बदला नहीं, सजा देना चाहती हूँ तुझे। इस हवेली का वारिस सिर्फ मेरा बच्चा होगा, तेरा नहीं। रुखसार, अगर तू चैन से जीना चाहती है तो तुझे ये बच्चा गिराना होगा। वरना याद रख, आज तक तूने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। हेलो, कौन? हेलो असलम, नगमा कहाँ है? उसके मामूजान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ असलम? तुम्हारे मामूजान का एक्सीडेंट हो गया? तो चलो। लेकिन रुखसार, मिठाई फिर कभी खा लेना, चलो असलम।